गोलघर कचहरी चौराहे पर कांग्रेस नेत्री ने बेटे की गाड़ी छुड़ाने के लिए ट्रैफिक दरोगा को पीट दिया। आपको बता दें कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे कांग्रेस नेत्री के बेटे ने सिग्नल तोड़ दिया था। जब सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक दरोगा अजय सिंह ने रोका तो लड़के की मां कांग्रेस नेत्री द्वारा दरोगा को गाड़ी छोड़ने का दबाव बनाने लगी तथा जब ट्रैफिक दरोगा ने गाड़ी नहीं छोड़ा तो दरोगा से हाथापाई कर ली। उसी समय उसके बेटे ने भी ट्रैफिक दरोगा से मारपीट की, जिस पर ट्रैफिक दरोगा ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को सूचना दी, जिस पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने महिला और उसके बेटे को पकड़कर कैंट थाने ले गए, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने लगभग 2 बजे सिग्नल तोड़ने को लेकर एक लड़के को रोका जो कि ट्रिपलिंग थे। तभी कांग्रेस नेत्री वहां पर आई और गाड़ी को छोड़ने का दबाव बनाने लगी और दरोगा से मारपीट कर ली, क्योंकि उसमें से एक लड़का कांग्रेस नेत्री का था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेत्री के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है तथा किसी को भी पुलिस से मारपीट करने का अधिकार नहीं है। वहीं इस संबंध में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि वह महिला कांग्रेस पार्टी की नहीं है तथा किसी को भी पुलिस से मारपीट करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान तथा एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने कहा, हमारे दरोगा जी को कितना ये मार मार दिए, देख लिए आप लोग के सामने। अरे कब से देखा जा रहे हैं, दरोगा जी वहाँ ये गलत बात है, आप प्रशासन को खुद ही बोल रहे हैं। महिलाओं को रखती है हमने गलती किया है, इनका गाड़ी देखे ना, उन्होंने मुझे मारा है, हमने कोई गलती नहीं किया, ये गलती है। को हटा दो, सेवा तो मुझे हटाओ, हटाओ इसको, पटा करो, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, अभी आपको तो चिंता करा रहे हैं, पुरुष और महिला वाला, इसको नहीं साथ देगा, नहीं कुछ इसका दादागिरी भी सारी हो, मैं माफी तो मांग रही हूँ। कितने मांगी? पाँच के लिए मांगी, आप कितने मांगी, आप कितने मांगी? चलो बैठो, ध्यान ले जाइए इसको और महिलाओं को बढ़ाइए इसके साथ में। वो महिला जो मारपीट की है, हम लोग तो उसके बारे में पूरा जानते नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, और मानसिक पीड़िता का साथ में लग रही है, लेकिन महिला होने के नाते हम लोग भी उसकी मदद की, और पुलिस के ऊपर हाथ उठाना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे महिला हुए हैं वो है ही नहीं, हम जिलाध्यक्ष हैं, हमारे कहीं जानकारी नहीं है। ये करीब 2:15 बजे की बात है, कचहरी चौराहे पे एक महिला ने जमाई थी तैनात जो कचहरी चौराहे पे थे, उन्होंने एक बाइक रोका जिस पे लोग ट्रिपलिंग कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक महिला आ गई और बताने लगी कि जिस बाइक को रोका गया है उसमें से जो ट्रिपलिंग कर रहे थे उसमें से एक लड़का उसका बेटा था। उसने बातचीत के दौरान TSI से हाथापाई कर ली। इस संबंध में कैंट थाने पर मुकदमा दर्ज करके महिला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।